अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रहमान और आप देख रहे हैं टिकू बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग अपने नया पे अकाउंट से अल हबीब अकाउंट में पैसे किस तरह सेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वीडियो को लाइक करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, नया पैसे अल हबीब अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपना नया पे का ऐप ओपन करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नया पे का ऐप ओपन किया है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सेंड मनी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कई ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगी। सो यहाँ पे ऑप्शन है एनी बैंक अकाउंट का, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई बैंक्स के नेम्स आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। सो हमने अल हबीब अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। सो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है बैंक अल हबीब का, आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। सो दोस्तों, इस सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह का पाम आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे ऑप्शन है एंटर अकाउंट नंबर RIBN। सो यहाँ पे आप लोगों ने अपने अल हबीब अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो आप लोगों ने एंटर करना है। सो यहाँ पे मैं अपने अल हबीब का अकाउंट नंबर एंटर करता हूँ। दोस्तों, अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आप लोगों ने नीचे यहाँ पे अमाउंट लिखना है, जितने पैसे आप लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना अमाउंट लिखता हूँ। ओके, 20 रुपये मैं सेंड करना चाहता हूँ। आप लोग जितने भी सेंड करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे एंटर करें। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है पर्पस ऑफ पेमेंट, यानी किस मकसद के लिए आप लोग ये पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने पर्पस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे कई ऑप्शन है, आप लोग इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं फैमिली सपोर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। ओके, और ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे नीचे मज़ीद कुछ ऑप्शन है। ओके, सो ये ऑप्शनल है। ओके, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने नीचे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को मिल जाएगा। सो यहाँ पे दोस्तों, जिस अल हबीब अकाउंट में आप लोग पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओके, उस बंदे का नाम, उस बंदे के वालिद का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। सो आप लोग एक बार इसको चेक कर सकते हैं कि जिस अकाउंट में आप लोग पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्या वो वाकई ठीक है या नहीं। ओके, सो कन्फर्म करने के बाद आप लोग नीचे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड किए हुए है। ओके, यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, मेरे वालिद का नाम आ रहा है। सो इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड किए हुए है। ओके, सो ये अकाउंट मेरा ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने अपने नया पे का जो पिन कोड है, ओके, वो आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है। सो यहाँ पे मैं अपने नया पे का पिन कोड एंटर करता हूँ। ओके दोस्तों, पिन कोड एंटर करने के बाद आप लोगों ने नीचे सेंड मनी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे जो पैसे हैं वो नया पे अकाउंट से अल हबीब अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। सो ये तरीका है, ये प्रोसेस है जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है और आप लोग अपने नया पे अकाउंट से अल हबीब अकाउंट में पैसे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में कोई पार्ट मिस करते हैं तो आप फिर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। सो आप वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक सही वॉच करें, इंशाल्लाह आपका जो पेमेंट है वो नए पैसे अल हबीब में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के ऊपर एक लाइक दें। चैनल पर नए पा रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।